अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे प्यारे माँ बहनों, माशाल्लाह बेहतरीन जो है रिज़ल्ट आया अभी। एक बुज़ुर्ग जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको एक बहुत ख़तरनाक ज़ख़म हो गया था, जो बता नहीं सकते, और सारे डॉक्टर उम्मीद छोड़ दिए थे और हालत बहुत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको बेहतरीन शिफा अता करे, ज़ख़म पूरा सूख गया और सेहत एकदम अल्लाह का फ़ज़ल करम है। अभी बाहर हैं पेशेंट्स, मैं लेके जाके मिला तो आपको। उससे पहले मेरे रेगुलर पेशेंट्स जो हैं, जिनका नाम है श्रीमती बानो बेगम, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे प्यार में अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक पोएम्स लिखे, बहुत सारे, एक बुक लिखे। कितने पोएम्स हैं? 25 पोएम लिखे। बहुत बड़े शायरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो BA, BEd, LLB कुछ है माशाल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। और आइए अभी उनसे ही बात करेंगे और जो लिखे उन्होंने मेरे ऊपर पोएम्स इंशाल्लाह वो पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हां डॉक्टर साहब के ताल्लुक से, हम अदब से और उनके खिदमात को देखकर हमने ऐसी मंजर कशी और ऐसी शायरी लिखे हैं कि उनकी हकीकत, उनकी मेहनत आवाम तक आ सके। ऐसे ऐसे हवाले वो देते हैं डॉक्टर साहब, जिससे मरीजों की एक हौसला अफजाई हो जाती है। इसी ताल्लुक से मैं एक शायरी, एक पोएम पेश करना चाहूँगी। यूँ तो आपके ताल्लुक से मैं 25 पोएम्स लिख चुकी हूँ, अब वो सारे ही पोएम्स विथ एक्शन हो सकता है फेसबुक पे आ सकेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट मैं उस पोएम को अपनी ही अंदाज में, अपनी ही जुबान में सुनाना चाहती हूँ इंशाल्लाह। मरीजों से उनका गहरा नाता है डॉक्टर साहब का, मरीजों से उनका गहरा नाता है। अत्ता है वो तो अत्ता है, डॉक्टर अत्ता है। शेरों का शेर वो सिपाही है, शेरों का शेर वो सिपाही है। वो हकीम ही नहीं दीन का दाई भी है। अत्ता है वो तो अत्ता है, ऐसे ऐसे हवाले वो देता है सुन के सारा मजमा दंग होता है। ऐसे ऐसे हवाले वो देता है सुन के सारा मजमा दंग होता है। अत्ता है डॉक्टर अत्ता है, कहाँ कैसे क्या हुआ बताता है तो दिल भी अंदर से लरज जाता है। अत्ता है डॉक्टर अत्ता है, गरीबों को गले से लगाता है तो दिल के अंदर से अदब आता है। अत्ता है डॉक्टर अत्ता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये प्यार अल्लाह के फजल करम से है। और जिस जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो हक की बात करता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे भाइयों बहन, मैं नहीं चाहता कि कभी भी आप कहीं गुमराह हो। इसी वजह से मैं हमेशा अल्लाह की तारीफ करता हुआ मैं इलाज करता हूँ और इसी तरह रिज़ल्ट, वालेकुम सलाम, रिज़ल्ट आप तक मैं लेकर आता हूँ। तो जो कहीं पेशेंट के अटेंडर को बुलाओ, तो हमेशा जो है विथ रिजल्ट्स के साथ लाइव जो है मैं आपको रेमेडीज़ बतलाता हूँ इंशाल्लाह। जो भी मैं रेमेडीज़ बतलाता हूँ फेसबुक यूट्यूब पे, अगर आप सिर्फ उसी के सहारे इंशाल्लाह घर बैठे बैठे आप तैयार हो जा सकते हैं, ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं इंशाल्लाह। आइए अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? क्या क्या तकलीफ़ थी इनको? और क्या जख्म था? क्या सेहतमंद है उन्होंने? खैरियत? पहले से क्या क्या इम्प्रूवमेंट है आपको? थोड़ा पहले सुधार तो अच्छा है। अच्छा। पहले उठते नहीं थे, बैठते नहीं थे, क्या बेड पे चुप पड़े हुए रहते थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब उठ रही, बैठ रही, अब खा रही,
इंशाल्लाह अगले महीना चल के आना उन्हों इंशाल्लाह। महीने में 7 तारीख को आ गया। हाँ 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 वो हमारे नहीं मालूम था। अच्छा 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 एक महीने का गैप आ गया क्या? अच्छा अच्छा बट पहले से अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जख्म पूरा सूख गया, पूरा का पूरा सूख गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने डॉक्टरों के पास बतलाए आप? दो डॉक्टरों के पास। हाँ उन्होंने जख्म सुखा नहीं सके क्या? नहीं सुखा। क्या बोले उन्हों? सर्जरी करना पड़ता जख्म की ज्यादा हो गया, वो ही बोले हम अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आपके पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम हो गया थोड़ा, ठीक है ठीक है। जज़ाकअल्लाह बेहतरीन चीज़ लेकर आ गए हमारे दोस्त माशाल्लाह। दिखो एक बार दुनिया को दिखाओ ये चीज़। इसे अत्ती बला बोलते हैं। वो ना उसकी ज़रूरत है। हाँ इसे अत्ती बला बोलते हैं। अत्ती बला ज़रा गौर से देख लो। आज क्या है? पेटा खराबी। 100 में 90% लोगों के पेटा खराबी। अगर ये चीज़ अगर आप जो है अपनी आदत में ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपके तकलीफ़ें दूर होती हैं। और ये क्या क्या बीमारियों में काम आता वो भी देखो। ये घरों के आसपास तो आपको बेहिसाब मिलता है, नहीं आराम से मिल जाता, लेकिन ये असर भी करता। तब असर करता जब ये बनाने वाले की पहचान कर लेंगे आप। ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है, नहीं तो शिर्क करे नहीं। जैसा शिर्क से तौबा करते हुए अब अगर आप बीमार हैं तो नमाज अदा करते हुए इन नेमत का आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह घर बैठे बैठे तैयार हो सकते हैं। इसे अत्ती बला बोलते हैं, अत्ती बला, ठीक है। ये आपके पेट के सारे बीमारियों के लिए काम आता। 15-15 पत्ते, सुबह में 15 पत्ते, शाम में 15 पत्ते, चुप ऐसा चबा के खा लेना, ठीक है ना। पेट की खराबी से जिसे पाइल्स होता वो पाइल्स भी दूर हो जाता इससे इंशाल्लाह। पेट की खराबी से जिसे लीवर का प्रॉब्लम आता उनका लीवर का प्रॉब्लम भी इससे क्योर हो जाता है इंशाल्लाह। तो आपके पेट के सारे प्रॉब्लमों के लिए ये बेहतरीन जो है जड़ी है, इसका नाम अत्ती बला। कंगई के बीज भी बोलते, घरों के आसपास मिलते, आप ये ढूंढ के इंशाल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका पेट नरम रहेगा साफ रहेगा तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। शुगर, बीपी, थायराइड ये सब भी बॉडी के बैलेंस ख़राब होने से आता। बॉडी का बैलेंस तबीयत ख़राब होता जब पेट का बैलेंस ख़राब हो जाता, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को करनूल इंशाल्लाह, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर और 21 तारीख को मुंबई इंशाल्लाह। 7795414139 8197041411 9900666495 इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह हमसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं आप वो मेडिसिन के साथ साथ एलोपैथिक भी इस्तेमाल करें। धीरे धीरे आप जो है एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ देंगे आपकी सेहत की सुधार से, उसके बाद आप मेरी मेडिसिन भी छोड़ दीजिए इंशाल्लाह। जो रेमेडीज मैं आपको बोलता हूँ जब तक आप कंप्लीट ठीक नहीं हो जाते वो रेमेडीज अगर अपनी आदत में ले लेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। जो भी आप काम करेंगे अल्लाह के नाम से करो, कभी भी इंशाल्लाह आपके काम में कमी नहीं होंगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।